चलिए नमस्कार सभी को, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है नीरज प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडल का परिसंचरण। तो पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने रॉक्स को डिस्कस कर लिया और रॉक्स के साथ साथ हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, रॉक्स के साथ साथ हम लोग क्या किए, एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर लिए। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को और डिटेल में स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडल का परिसंचरण होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो जरा जान लेते हैं क्या है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को जानने से पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक हम लोग बातें करेंगे। आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। देखो इस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण, है ना। अब देखो सर्कुलेशन मैंने एक शब्द लिखा है और सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं सर्कल शब्द आ रहा है और इस सर्कल का मतलब गोल गोल होता है। और ऐसे ही मैंने हिंदी में शब्द लिख दिया आपको, हमने परिसंचरण। जरा पहले इस हिंदी वाले को डिस्कस कर लेना दो मिनट के लिए। देखिए जो हिंदी वाला परिसंचरण शब्द आपको दिखाई दिया ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द कौन सा रहा, परि, और दूसरा रहा हमारे सामने कौन सा भाई, संचरण। यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना क्या, परिसंचरण। तो ये जो परि जो परि शब्द लिखा इसका मतलब हो गया क्या, हो गया चारों ओर। और जो संचरण है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में घूमना, यानी क्या करना चारों ओर घूमना। अब देखिए किस चारों ओर घूमना, किसके चारों ओर घूमना और किसका चारों ओर घूमना, यही चीजें क्या करनी है हम लोगों को समझ ली है। और हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं और आपको पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इस एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है, एयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एयर। तो किसका घूमना, एयर का घूमना। चारों किसका घूमना, एयर का घूमना। अब किसके चारों ओर घूमना और कैसे घूमना, कैसे सर्कुलेशन होगा, यही हमें समझना है किसमें, इसी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। देखिए सबसे पहली बात, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, इस एटमॉस्फेयर की अगर बात करें यानी कि वायुमंडल की बात करें, और वायुमंडल में मैंने कहा एयर पाई जाती है, विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं। तो ये जो हवाएं होती हैं इनका जो प्रेशर होता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जो वायुमंडल का दाब होता है, उस दाब को मापने के लिए एक यंत्र का यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। तो पहले थोड़ी सी फैक्चुअल हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। यानी कि बैरोमीटर के माध्यम से क्या होता है, एटमॉस्फेयर का क्या प्रेशर को मापा जाता है। तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। अब देखिए जो बैरोमीटर है इसमें कुछ रीडिंग्स होती हैं, क्या होती हैं, रीडिंग्स होती हैं। तो कुछ मान लीजिए जो बैरोमीटर है इसमें जो रीडिंग है क्या है, रीडिंग होगी बैरोमीटर में। अगर ये जो रीडिंग रहेगी बैरोमीटर में, अगर मान लीजिए रीडिंग हो जाए नीचे को चली जाए, तो वह गिर जाए। अगर रीडिंग गिर जाती है तो इस बात का मतलब ये होगा, रीडिंग गिरने का मतलब ये होगा जो मौसम होगा वो मौसम कैसा होगा, तूफानी मौसम होने वाला है। कैसा मौसम होगा भाई, तूफानी मौसम। तो आपसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि बैरोमीटर रीडिंग के गिरने से क्या हम कंक्लूजन निकालें, तो मौसम क्या होगा भाई, तूफानी होगा। मान लो दूसरी स्थिति, बैरोमीटर में जो रीडिंग है वो क्या हो जाए, ऊपर को चली जाए, यानी कि अप हो जाए बैरोमीटर में रीडिंग। तो इसका मतलब ये होगा जो मौसम होगा वो कैसा रहने वाला है, साफ रहने वाला है। ये संकेतक होगा किसका भाई, क्लीन वेदर का। मान लो बैरोमीटर में जो रीडिंग है, स्थिति ऐसी बन जाए, पहले जो रीडिंग होगी ये बैरोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए, नीचे को चली जाए और फिर क्या हो जाए, ऊपर को चली जाए। तो इसका मतलब हो जाता है मौसम कैसा होने वाला है, बारिश होने वाली है। क्या होने वाला है, रेनफॉल। क्या होने वाली है, वर्षा होने वाली है, है ना। तो ये कुछ रीडिंग्स की बात हो गई, बैरोमीटर्स की बात हो गई, फैक्चुअल बात हो गई। और एक बार एग्जाम में वाले पूछ लेते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं, इनको हिंदी में बोलेंगे समदाब रेखाएं, समदाब रेखा। देखिए आइसोबार्स का मतलब ये होता है वो लाइंस जो क्या करती हैं, दो इक्वल प्रेशर वाले प्लेसेस को आपस में क्या करती हैं, मिलाती हैं। मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइंस को बोलते हैं आइसोबार। तो आइसोबार्स क्या है, समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली क्या है, काल्पनिक रेखाएं। या आइसोबार्स क्या है, इमेजिनरी लाइंस टू ज्वाइनिंग द प्लेसेस
ठीक है, ऑफ इक्वल प्रेशर, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, आइसोबार। थोड़ी सी हम लोग फैक्चुअल हो गए हैं, और फैक्चुअल होने के बाद हम लोग थोड़ा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए दो बातें मैं स्क्रॉल कर देता हूं जल्दी से। देखो दो बातें याद रखें, जो विंड्स होती है, जो हवाएं होती हैं, ये हवाएं हमेशा हाई प्रेशर, एचपी का मतलब हाई प्रेशर, ये हवाएं हमेशा, इस बात को आप याद कर लें, ठीक है, और रट डालें, जो हवाएं होती हैं ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती हैं। कहां से कहां पे चलती हैं, हमेशा हाई से कहां की ओर चलती हैं, लो की ओर चलती हैं। कैसे चलती हैं जरा हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, कैसे चलती हैं हवाएं। देखो ये हवा उठेगी यहां से और ऐसे इस मन पहुंचेगी, अभी समझाता हूं डिटेल में। ठीक है, देखो दो बातें याद रखना, जैसे आप लोग हैं, आप लोग जो लगातार चलते हो और चलते हो और चलते चलते कई बार क्या होता है, आप लोग थक जाते हो, और थकने के बाद क्या करते हो, आप लोग कहीं आराम कर लेते हो। तो ऐसे ही हवाओं का सिस्टम होता है, जो हवाएं होती हैं जब लगातार चलती रहती हैं और चलते रहने के बाद कई बार थक जाती हैं, और जब ये थक जाती हैं तो थकने के बाद क्योंकि भी कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं, और जहाँ पर हवाएं बैठ जाती हैं वहाँ पर क्या होता है, हवाओं का प्रेशर बढ़ जाता है, उस क्षेत्र को बोलेंगे हम हाई प्रेशर वाला क्षेत्र। और जहाँ से हवा उठ के चलती है वो क्या होता है, खाली हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लो प्रेशर वाला एरिया। तो फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल करते हो, तो फिल इन द ब्लैंक्स तो वहीं फिल करोगे जहाँ पे क्या स्पेस दिया होगा, तो हवा भी वहीं की ओर चलेगी, यहाँ पे क्या होगा, स्पेस होगा। तो ये स्पेस खाली कहाँ होता है, लो प्रेशर पे होता है, और हवा कहाँ पे होती है, हाई प्रेशर पे पाई जाती है। तो इसलिए जो विंड्स होती हैं वो विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से हमेशा कहाँ की ओर चलती हैं भाई, लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो आप याद रखें जो विंड्स होती हैं वो देखिए हाथ को मैंने बनाया इसको, हाई प्रेशर के ऊपर ऊपर उठी है और कहाँ पे आके बैठ रही है, लो प्रेशर पे। तो इसलिए जो हवाएं होती हैं, आप एक बात याद रखना हमेशा, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। दूसरी बात करते हैं, देखो जब हवा की बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए दो कंडीशन में आपके सामने रख रहा हूं, ये जो विंड है, जब हवा क्या होती है भाई, गर्म हो जाती है, कैसे हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो हवा गर्म होने के बाद कैसे हो जाती है, याद रखने कैसे हो जाती है, हल्की हो जाएगी। और जब ये हवा हल्की होगी तो हल्की होने के बाद क्या होती है, ऊपर को उठना स्टार्ट कर देती है, क्या करेगी भाई, ये ऊपर को उठेगी। और हवा क्या है, अगर ठंडी है तो हवा कैसे हो जाती है, ये भारी हो जाती है। और जब हवा भारी होती है तो क्या करती है, नीचे को बैठती है, है ना। हवा हल्की है तो क्या होगी, गर्म है तो हल्की हो जाएगी, और हल्की होने क्या होती है, ऊपर चली जाती है, और नीचे वाला एरिया हो जाता है, खाली हो जाता है, यानी कि वहां पे क्या बन जाता है, लो प्रेशर हो जाता है, क्या हो जाता होगा, लो प्रेशर। और जब हवा ठंडी होती है तो हवा ठंडी होने क्या भारी होती है, और भारी होने नीचे की ओर बैठ जाती है, यानी कि वहां पर क्या क्रिएट हो जाता होगा, हाई प्रेशर, है ना। और इसलिए हवाएं हाई प्रेशर से काम चलती है, लो प्रेशर मूव करती है, एक बात। दूसरी बात करते हैं, देखिए एक तो मैं आप ये बात याद रखें, जमीन और वाटर, देखिए मैं दो बातें कर रहा हूं, जल की और जमीन की बात कर रहा हूं। जो जमीन होती है ये क्या होती है, दो स्थिति में रख रहा हूं, दोनों जगह, यहां भी हॉट और यहां भी क्या रख रहा हूं भाई, कोल्ड, है ना। दो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, आप याद रखें, जमीन होती है वो क्या होती है, जल्दी क्या होती है, गर्म होती है, और जल्दी क्या होती है भाई, ठंडी होती है। और देखो वाटर को गर्म होने में भी समय लगता है और क्या होता है, ठंडा होने में भी समय लगता है। तो लैंड जल की तुलना में जल्दी गर्म हुआ, जल्दी क्या होगा, ठंडा होगा। और वाटर क्या होता है, ठंडा होने में समय लगता है, गर्म होने में भी समय लगता है। तो ये दो बातें आप अभी तक अपने आप याद रखेंगे, जल्दी से आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं फिर इसको रफ कर रहा हूं। बस ये बात याद रखना, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती हैं।
देखिए टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब इंडिया का मानसून पढ़ेंगे तो इसको भी हमें वहीं पे समझना पड़ेगा, बिना इसके समझे आप इंडिया का मानसून समझ ही नहीं सकते। और ये टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं पुराने क्वेश्चन पेपर, आप अगर उठा के देखोगे तो आपको एक दो प्रश्न यहाँ से जरूर मिल जाएगा। चलो जरा जान लेते हैं। देखिए अभी हम लोग कुछ अक्षांश देशांतर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फिर से मैं छोटा सा ग्लोब बना रहा हूँ आपके सामने, आपसे कुछ प्रश्नों के आंसर करूंगा, आप जल्दी से उस प्रश्नों के आंसर मुझे देंगे। मान ले भाई ये क्या है हमारा ग्लोब, क्या है ये हमारा ग्लोब, ठीक है। अब देखो इस ग्लोब को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ये कौन सी है आपको पता है, हमारा इक्वेटर है हम लोग पढ़ चुके हैं, और इक्वेटर के ऊपर आपको पता है 23rd एंड नॉर्थ हाफ नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हूँ। और इस वाली को हम लोग क्या बोलते हैं 66.5 उत्तर को आपको पता है, उसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और ये आपको पता है भाई ये क्या मिलेगा आपको नॉर्थ पोल, है ना। ऐसे ही क्या हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध। अब हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में भी आते हैं, सेम आपको 23rd एंड हाफ क्या मिलेगा भाई आपको साउथ, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा इसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे ही 66.5 एक लाइन यहाँ पे और मैं ड्रो किया हूँ, क्या बोलते हैं इसको एंटार्क्टिक सर्कल, और देखिए ये होता है हमारा साउथ पोल, ठीक है। ये बातें हम लोग पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको ये भी पता होगा इसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं उष्णकटिबंध, इसको और इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेम्परेट जोन शीतोष्णकटिबंध बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं पोलर जोन शीत ध्रुव हम लोग बोल देते हैं, शीत कटिबंध हम लोग बोल देते हैं। तो जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे एक पहले रिक्वेस्ट ये है, आप लोग सबसे पहले पहली बार वीडियो जरूर देखें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तभी आप इसको अच्छे से आप समझ पाओ, ठीक। अब देखो मैं आपको ये बात बता चुका हूँ उस पहले लेक्चर में, सबसे ज्यादा हीट कहाँ मिलेगी इसको आपको इस ट्रॉपिकल जोन में, और ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज्यादा हीट कहाँ मिलेगी इसी इक्वेटर मिलेगी। तो देखो जब इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा गर्मी होती होगी, हीट होती होगी, तो जब हीट होती होगी तो यहाँ का जो लैंड होता होगा वो भी तो गर्म हो जाता होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। और जब लैंड गर्म होगा तो उस लैंड के ऊपर चलने वाली जो हवाएं होंगी, वहां जो विंड्स चलती होगी वो हवाएं भी हो जाती होंगी, गर्म हो जाती होगी। और मैंने अभी आपको बताया जब हवा गर्म होती है तो गर्म होने के बाद ऊपर की ओर उठती है ना, तो यानी कि जब हवा गर्म होने के बाद ऊपर की ओर उठ जाएगी तो वहां पर क्या बन जाएगा, हवा का दबाव घट जाएगा, तो क्या बनेगा लो प्रेशर। देखो ऐसे मान लो, एक एग्जांपल यहां समझा रहा हूं, मान लीजिए ये कोई लैंड है, क्या है ये जमीन है, क्या है ये जमीन है भाई, ठीक है, और ये है सूरज चाचा, ठीक। जब इसकी रेस हमारी इस क्या करेगी अर्थ पे आके पड़ेगी, जब यहाँ इस जमीन से टकराएंगी तो क्या होगा, ये जो लैंड होगा यहाँ जो हवाएं, यहाँ जो क्या हो रही होगी, जो हवाएं चल रही होंगी वो हवाएं क्या होंगी गर्म होना स्टार्ट होंगी, और जब हवा यहाँ की जम, क्योंकि जमीन गर्म हुई है तो हवा भी गर्म होगी, और जब हवा गर्म होगी जमीन ये जो हवाएं हैं हल्की हो जाएगी, और जब ये हवा हल्की होगी क्या करेगी यहाँ से ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देगी हवा, और स्टार्ट करने के बाद मैंने क्या बोला कहीं पर जाकर हो जाएगी बैठ जाएगी, है ना। तो यहाँ से तो हवा क्या होगी उठ गई, तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा लो प्रेशर, क्या क्रिएट हो जाता है यहाँ पर लो प्रेशर, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा भाई हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ तो खाली हो गया, है ना, क्या हो गया खाली हो गया। अब ये जो हवाएं हैं तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे बनेगी, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा होगी, हीट ज्यादा होगी, तो जमीन गर्म होगी, लैंड गर्म होगा, और वहां से क्या होगी वहां की हवाएं भी गर्म होंगी, और देखो जब हवाएं गर्म होंगी तो इस कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई लो प्रेशर बनेगा, और ये जो हवाएं हैं कहीं ना कहीं क्या होगी जाकर के बैठ जाएंगी, और मैंने बता दिया आपको जहां पर हवाएं जाकर बैठ जाती हैं वहां पर क्या बन जाता है हाई प्रेशर बन जाता है। तो जरा ध्यान से देखें इस कंसेप्ट को, देखिए जब इक्वेटर पे हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होने वाली हवाएं क्या करती हैं नॉर्थ की ओर जाती हैं, तो कहां पे आके बैठ जाती है भाई, कहां पे आके बैठती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अगर दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलेंगी सदर्न हेमिस्फीयर की ओर चलेंगी तो ये हवाएं कहां पे आके बैठ जाती हैं इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा पे आके बैठ जाती, ठीक है। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये जो रीजन होगा जो इक्वेटर होगा यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा आपका लो प्रेशर क्रिएट, क्या हो जाएगा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, है ना। अभी इतनी बात कर ली, और देखो यहाँ पे हवाएं क्यों नहीं आकर के बैठ रही है कहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन पर, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई हाई प्रेशर, क्या बन जाएगा हाई प्रेशर बन जाएगा। चलिए जल्दी से पोल की ओर आते हैं। अब आपको पता है पोल्स पर सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पे होती है, पोल्स पर ही होती है। जब पोल्स पर सबसे ज्यादा ठंड होती होगी तो आप पता होगा यहाँ की हवा भी भारी हो जाती होगी, और जब देखें यहाँ की जब हवा भारी होती होगी तो क्या होती होगी नीचे की ओर बैठती होगी, और जब हवा नीचे की ओर बैठती होगी तो आप जान गए होंगे पोल्स पर क्या प्रेशर मिलेगा आपको, हमेशा हाई प्रेशर ही रहता है। पोल्स पर क्या होता है भाई हमेशा हाई प्रेशर ही पाया जाता है, ठीक है। यानी कि पोल पर क्या है हमेशा हाई प्रेशर पाया जाता है, तो इसका मतलब ये पोल्स पर भी तो कहीं ना कहीं से हवाएं आती होंगी,
तभी तो क्या होती होगी, ठंडी होती होगी, और जहां से ये हवाएं आती होंगी वहां से वहां क्या क्रिएट होता होगा, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता होगा। तो देखिए जो पोल्स की जो हवाएं होती हैं वो इस आर्कटिक सर्कल से उत्तर की ओर मूव करती हैं, और कहां के मूव बैठ जाती हैं, इस पोल्स पर, और इसी पोल्स से ये हवाएं क्या करती हैं, दक्षिण की ओर मूव करती हैं, और कहां पे आके बैठ जाती हैं, ध्यान देना एरो कहां पर, टॉपिक ऑफ कैंसर पे आके बैठ जाती हैं। ऐसे ही नीचे आएंगे तो इस एंटार्कटिक सर्कल से ये हवाएं कहां की ओर चलती हैं, इसी का दक्षिणी गोलार्ध की ओर, साउथ पोल की ओर, तो इसलिए क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। और ये हवाएं जब उधर ऐसे चलेगी ये कहां की ओर आके बैठ जाती हैं, इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो इसलिए क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे होता है हाई प्रेशर हो जाता है, इक्वेटर पे क्या बनेगा, लो प्रेशर। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा भाई आपका, यहाँ और यहाँ, क्योंकि यहाँ से हवा ऊपर की ओर उठी है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर, यानी कि आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल पर लो प्रेशर। मैं केवल इतनी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे लो प्रेशर होता है और कहाँ पर हाई प्रेशर होता है। जल्दी से फिर से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसी को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए फिर से मैं इसी ग्लोब को थोड़ा सा बड़ा करके मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं बोर्ड पे, और हमको अब समझने में आसानी हो जाएगी। ये है भाई हमारा ग्लोब फिर से, ठीक है, और इस ग्लोब का ये हो गया सेंटर, और सेंटर में कौन सा होता है आपको पता है, ये है हमारा इक्वेटर। क्या है ये हमारा इक्वेटर, जो इसके ऊपर आ जाओ तो ये क्या हो गया भाई, 23.5 नॉर्थ हो गया, हमको पता है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, अब मुझे इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल, इसको हम लोग बोल देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, और इसको हम लोग बोल देंगे भाई अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों को हम लोग जान चुके हैं इस क्लास में, इतनी बातें हम लोग जान चुके हैं क्लास में अभी तक, ठीक है। और दूसरी बात आपको पता है, ऊपर यहां पर देखो, अभी मैंने आपको बता दिया यहां पर आपको क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा यहां पर आपको, लो प्रेशर लग रहा है, तो इसको स्पेस कम रहेगा थोड़ा सा, इसको एक मिनट मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ दोबारा से, इस थोड़ा सा इसको मैं और थोड़ा इसका साइड में खिंचा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैमरे का साइज सही नहीं बनेगा फिर, तो मैं इसको यहाँ बीचों बीच में सेंटर में लेता हूँ बिल्कुल इसको, ठीक है, ये मैंने दे दिया, ये सेंटर में हो गया हमारा इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर हो गया टॉपिक ऑफ कैंसर, के ऊपर आर्कटिक सर्कल, के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा हो गई, और इसके नीचे हो गया भाई हमारा अंटार्कटिक सर्कल, अब सही रहेगा बिल्कुल, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल हो गया। इतनी बातें मैं करना चाह रहा हूं, और अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये जो इक्वेटर है, ये है हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर पे क्या मैंने बताया अभी आपको भाई, देखो भाई लो प्रेशर पाया जाता है, यहां पर क्या मिलेगा आपको हाई प्रेशर, यहाँ पर भी क्या है लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या है हाई प्रेशर, ऐसे ही इस कर्कर मकर रेखा पर आपको मिलेगा हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको हाई प्रेशर मिलेगा, ठीक है जी। इतनी बातें हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताया, हवा जो विंड्स होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, मान लीजिए क्या है हमारी अर्थ है, और देखिए जो हमारी अर्थ होती है ये अर्थ दरअसल क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। देखिए एक बात याद रखिए, आपने देखा होगा जो हवाएं होती है हमेशा तिरछी चलती है, सीधी नहीं चलती है, कारण क्या है, दरअसल जो हमारी अर्थ होती है इस अर्थ पे जब ये घूमती है तो इस अर्थ पे घूमने से क्या होता है, हमारी अर्थ पे फोर्स पैदा होता है, इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, जो एक वास्तव में होता नहीं केवल एक आभासी बल होता है। तो हमारी अर्थ पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के कारण क्या होता है, इस अर्थ पे बल पैदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स।
देखिए जो कोरियोलिस फोर्स होता है, ये जो कोरियोलिस फोर्स होता है इसी फोर्स के कारण क्या होती है, जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती हैं, वो क्या होती है, तिरछी चलती है। क्या होती है, तिरछी चलती है, इसी कारण ऐसा हो पाता है, तिरछी चलती है। अब जरा समझते हैं, देखिए इस वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले इस जीरो डिग्री के ये जो रीजन होगा इसका नाम, ये जो रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं, जीरो डिग्री से पांच डिग्री उत्तर, जीरो से पांच डिग्री उत्तर और जीरो से पांच डिग्री दक्षिण वाला ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं ITCZ। क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को हम लोग बोल देते हैं ITCZ, या इसको हम लोग कई बार डोलड्रम, इसको हिंदी में भी डोलड्रम बोलते हैं। देखिए डोलड्रम का होता है शांत क्षेत्र, और ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अभी मैं लिख दूंगा इसके साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आइए इस ट्रॉपिकल क्षेत्र में आइए। देखिए ट्रॉपिकल जगह आपको पता है जो हवाएं होंगी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि यहां से यहां की ओर ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन जब ये हमारी पृथ्वी क्लॉकवाइज घूमती है, और क्लॉकवाइज घूमने से क्या होता है, हमारी सतह पे क्या हुआ है, कोरियोलिस नाम का फोर्स पैदा हो जाता है। और जब ये कोरियोलिस फोर्स पैदा होता है तो इस फोर्स के पैदा होने से क्या होता है, ये जो हवाएं होती है तिरछी हो जाती है। तो ये हवा सीधी ना चले कैसे चलेगी, तिरछी चलना स्टार्ट कर देती है, यानी कि जो हवा होती है ऐसे चलना स्टार्ट कर देती है, सीधी ना चले कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। फिर नीचे भी हाई प्रेशर से कहां क्यों चलेगी भाई, लो प्रेशर क्यों चलेगी, इस तरह से तिरछी हो जाएगी हवा। ध्यान से समझना जरा इसको, यहां पे भी क्या चलेगी, ऐसे चलना स्टार्ट कर देती है ये, ठीक है। तो हवाएं तिरछी चली कहां से, और ये क्षेत्र जिसको मैंने डोलड्रम बोला, यहां पे आके क्षेत्र बड़ा शांत हो जाता है, इसे इसको क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। चले अब आते हैं किसकी बात करते हैं, इस टेम्परेट जोन की बात करते हैं। तो टेम्परेट जोन में भी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, है ना। तो अब ये जो हवाएं हैं कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी हाई से लो की ओर, क्योंकि मैंने बोल दिया हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती हैं। तो ये जो हवाएं होंगी, इन हवाओं की भी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हवाएं भी चलेंगी भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी इस तरह से, और तिरछी क्यों चल रही हैं, कोरियोलिस फोर्स के कारण, ठीक है। और दूसरा रीजन कौन सा बचा सबसे लास्ट, हाई प्रेशर से भाई लो प्रेशर की ओर ही हवाएं चलेंगी, ऐसे चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही हवाएं चलती है इस तरह से। देखिए जरा ध्यान से समझे, अब ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है जिसको हमने क्या बोला, ट्रॉपिकल जोन के नाम से चलता है। देखो जो ट्रॉपिकल जोन है, इन हवाओं को अगर आप डायरेक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे जो हवाएं चल रही हैं पूरब से पश्चिम की ओर, क्या चल रही है, पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट की ओर चल रही है। इसलिए इन्हीं हवाओं को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्लीज, यानी कि पूर्व पवन इन्हीं को कहा जाता है। तो इन हवाओं को हम नाम दे देते हैं, इन्हीं को कहा जाता है ईस्टर्लीज। देखिए ये हवाएं इक्वेटर की ओर चल रही हैं, तो ये गर्म होती होंगी हवाएं, कैसे होती होंगी भाई, गर्म होती होगी, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में चल रही कैसे होती होंगी, गर्म होती होंगी। तो पूर्व पवन क्या होती है, गर्म होती है। देखिए इन्हीं हवाओं को इस नाम से भी जानते हैं भाई, इन्हीं को ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इन्हीं को व्यापारिक हवाएं, यानी कि व्यापारिक पवने भी इन्हीं को कहा जाता है। एंशियंट टाइम में यूरोप से आने वाले यात्री थे, इन्हीं हवाओं का यूज करते थे अपने क्या, जहाजों को चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए इन्हीं हवाओं का यूज करते थे, और इसके नाम क्या पड़ गया भाई, ईस्टर्लीज पड़ गया। आगे बात करते हैं ट्रॉपिक, किसकी, ट्रॉपिकल जोन किसकी बात कर लेते हैं, ट्रॉपिकल जोन की बात कर लेते हैं। देखो जो ट्रॉपिकल जोन है, इस ट्रॉपिकल जोन में चलने वाली जो हवाएं हैं इनके डायरेक्शन है वो कहां से, पश्चिम से पूरब की ओर, कहां से कहां की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। इसलिए इन हवाओं को बोलते थे वेस्टर्लीज, क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज। यानी कि इनको बच्चों हम लोग बोलते हैं हिंदी में पछुआ पवन, क्या बोलेंगे इनको, पछुआ पवन बोला जाता है। और इसके बाद इस पोलर जोन में चलने वाली जो हवाएं होती हैं इनको पोलर विंड्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर ध्रुवीय हवाएं बोलते हैं। देखिए जरा यहां से फिर से दोबारा से बोर्ड पर आप लोग ध्यान दें कुछ देर के लिए। तो ये जो हवाएं हैं, अगर इन हवाओं की बात करें, पहले इस ट्रॉपिकल जोन में हवा इस तरह चलती है,
फिर ये ऐसे घूमती है, फिर ये ऐसे घूमती है, और फिर यह करती है ऐसे घूम जाती है, फिर यह करती है इस तरह से घूमती है, और फिर ये हवा इस तरह से घूमती है, फिर ये हवा इस तरह से घूमती है, और फिर यह करती है इस तरह से घूमती है, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही घूमती रहेगी, इसके बाद यहाँ से घूमने के बाद ये हवा ऐसे भी घूमती है, एक साइकिल में और बना लेता हूँ, फिर ये हवा ऐसे घूमती है, और फिर यह हवा करती है ऐसे घूमती है, और इस तरह से जो हवाएं होती हैं लगातार घूमती रहती हैं, इन हवाओं का बन जाता है एक साइकिल, क्या हो जाता है एक चक्र बन जाता है, और इन्हीं चक्र की अगर हम लोग बात करें तो वो इस वाले चक्र को ही हम लोग बोल देते हैं हैडली शहर, क्या बोलते हैं इसको हैडली कोशिका, हैडली नाम के वैज्ञानिक के द्वारा इसके बारे में बताया गया, इसका नाम रखा गया हैडली शहर, और इस वाली सेल को हम लोग बोलेंगे फेरल सेल, क्या बोलते हैं भाई फेरल सेल, ठीक है इसको हम लोग बोल देंगे क्या बोलेंगे पोडल सेल। तो आपसे प्रश्न आ जाता है कि बताइए हैडली सेल कहां बनती है, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई ट्रॉपिकल जोन में बनती है। प्रश्न पूछेगी फेरल सेल कहां बनती है, तो आप उत्तर याद होगे, आप आंसर करोगे कहां बनती है टेम्परेट जोन में बनती है। पोलर सेल कहां क्रिएट होती है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कहां पर क्रिएट होती है पोलर जोन में क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न है कि ट्रेड विंड्स यानी कि वेस्ट ट्रेड विंड्स या ईस्टर्न विंड्स कहां चलती हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है भाई ये कहां चलती है ट्रॉपिकल जोन में चलती हैं, यानी कि ये हवाएं कर्क रेखा और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से इक्वेटर की ओर चलती है, कहां चलती है इक्वेटर की ओर, आप से समझा सकते हैं। जो पछुआ पवन है जो वेस्टर्लीज है वो कहां से आती है, वो क्या करती है पश्चिम से पूरब की ओर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल की ओर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल की ओर चलती है ना, ऐसी पोलर विंड्स। तो इतनी बातें मैं समझ रहा हूँ आईटीसी जेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस अंत है उष्ण अभिसरण क्षेत्र है ना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे जो जरा इंग्लिश का हिसाब ज्यादा अच्छा है, तो हिंदी में लिख ही नहीं रहा हूं उसको। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जो डोल्ड्रम, डोल्ड्रम का मतलब ये होता है शांत क्षेत्र, तो ये जो एरिया होता है काफी शांत होता है 0 से 5 नॉर्थ और साउथ वाला, किसी इसको क्या बोलते हैं डोल्ड्रम बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होता है लो प्रेशर होता है, क्या होता है लो प्रेशर होता है, और इसके बारे में जब हम इंडिया का मानसून समझेंगे तो वहाँ इसको मैं डिस्कस वहाँ इसका काम इस चीज इस टर्मिनोलॉजी को मैं यूज करूंगा, तो आप समझ पाओगे मैं किसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक काम करो जल्दी से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं कुछ। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं जल्दी से इसको रफ कर दे रहा हूं। तो जो पहली वीडियोस में आपको साउंड को लेकर और क्या है थोड़ी सी वाइटनेस को लेकर जो इशू हो रहा था, मैं समझ रहा हूँ इस वीडियो में वो उसको हम लोग रिजोल्व कर चुके हैं, आपको स्पष्ट साउंड भी सुनाई दे रहा होगा और आपको क्या है क्लैरिटी भी आपको क्या है व्हाइट बोर्ड में भी दिखाई दे रही होगी। देखो दूसरी बात, देखो जो स्थल मंडल की थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, लिथोस्फीयर। देखो जो स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल की बात करें तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, दो ही गोलार्ध हम लोगों ने पढ़े थे है ना, एक उत्तरी गोलार्ध है और एक कौन सा दक्षिणी, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न की हम बात नहीं करेंगे, और दूसरा कौन सा है सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो स्थल मंडल की अगर हम लोग बात करें तो लिथोस्फीयर जो होता है ये नदन यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, लिथोस्फीयर क्या है ज्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है थोड़ा सा कम है, किसकी तुलना में नदन हेमिस्फीयर की तुलना में। तो इसलिए क्या होता है ये दक्षिणी गोलार्ध है इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसलिए इस सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है जो विंड्स है ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर का भी मैं बात कर रहा हूँ 40 to 60 degrees दक्षिण वाला रीजन होता है, इस रीजन की बात कर रहा हूं।
तो दरअसल क्या होता है, इस रीजन में जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं का क्या होता है, ज्यादा होती हैं हवाएं, और इससे क्या होता है, इन हवाओं की क्या होती है भाई, स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि लैंड मास कम है दक्षिण गोलार्ध में, तो जहां जमीन नहीं होती हवा की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। और क्या होता है, हवा कई बार क्या होती है, आप बोलते हो कई बार देखते हो हवा क्या सनसनाती हुई जाती है, आवाज करती हुई जाती है, तो हवाओं की स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने से क्या होता है, ये हवा क्या करती है, कुछ साउंड करती है, क्या करती है, कुछ साउंड पैदा करती है। और ये जो साउंड है, अगर मान लीजिए यही साउंड क्या हो जाए, तो कौर कैसे कैसे साउंड पैदा करती है जरा देख लेते हैं। देखिए 40 डिग्री दक्षिण में जो हवाएं चलती हैं, 40 डिग्री दक्षिण में जो हवाएं चलती हैं, इनको कहा जाता है लोकल भाषा में रोरिंग 40s। क्या बोलते हैं इनको, रोरिंग 40s बोलते हैं, गरजती चालीसा। इन हवाओं को गरजती चालीसा कहा जाता है लोकल भाषा में। ऐसे ही जब ये हवाएं 50 डिग्री दक्षिण चलती हैं और वहां पे ये करती है, ये साउंड करती हैं, तो इनको फ्यूरियस 50 कह दिया जाता है, इनको कह दिया जाता है भाई प्रचंड 50, इनको बोल दिया जाता है। और जब यही हवाएं कई बार 60 डिग्री दक्षिण में चलती हैं, तो इन्हीं हवाओं को स्ट्राइकिंग 60 कहा जाता है, 60s है ना, क्या बोलते हैं इनको, स्ट्राइकिंग 60s कहा जाता है, यानी इनको बोल देते हैं चीख की साठा बोल देते हैं लोकल भाषा में। और ये जितना भी रीजन है, ये कहां पर मिलेगा आपको, ये सारा रीजन मैं आपको समझा चुका हूं कहां पर मिलेगा भाई आपको। देखिए 40 to 60 रीजन कहां मिलेगा आपको, टेम्परेट जोन में। कहां पर मिलेगा, शीतोष्ण कटिबंध की बात कर रहा हूं, यानी ये हवाएं कहां पर चलती हैं, टेम्परेट जोन है ना। और टेम्परेट जोन में कौन सा वाला, सदर्न हेमिस्फीयर वाला, दक्षिणी टेम्परेट जोन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इतनी बातें स्पष्ट हुई, कुछ फैक्चुअल बातें, अच्छा कुछ बातें हम लोग और बात करते हैं। देखिए दो बातें एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये जमीन है, और ये क्या, ये कोई समुद्र था मान लीजिए, तो ये क्या है, कोई कोस्टल रीजन है, कोई समुद्र तट है, ठीक है। दो स्थिति में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और ऐसे ही मैं एक और बना लेता हूं यहां पर, तो दो कंडीशन हम लोग रखकर देख लेते हैं जरा क्या होता है। मान लीजिए ये उड़ीसा या क्या तमिलनाडु का कोई से भी किसी भी दक्षिण भारतीय राज्य का कोई क्या है, कोस्ट है, तो ये लैंड है, ये वाटर है, ये लैंड है, ये वाटर है, ठीक है। तो इस वाली पहली वाली कंडीशन की अगर मैं बात कर रहा हूं भाई, किसकी बात कर रहा हूं, पहली वाली जगह में, यहां पर मान लो इस तरफ क्या है, रात का समय है, क्या है, रात का समय है, और इस तरफ मान लीजिए कुछ देर के लिए क्या है भाई, दिन का समय है, ठीक है। यहां चंदा मामा दिख रहे हैं, यहां पर सूरज चाचा दिख रहे हैं, दो बातें स्पष्ट हो गई। तो क्या होगा, ये दिन का समय होगा, वो रात का समय होगा, ठीक है, दो बातें कर ली। अब देखो जब दिन का समय होगा, पहले दिन वाले करो, तो जमीन क्या होगी, यहां पर सूर्य की क्या पड़ेगी, रेस पड़ेगी, तो दिन के समय क्या होगा, जमीन पे जाएगी, मैंने बोला जमीन जल्दी गर्म होती, जल्दी ठंडी होती है, तो जमीन पे जाएगी भाई, गर्म हो जाएगी। और देखो जब जमीन गर्म होगी तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, लो प्रेशर बन जाएगा, है ना। और यहां पर क्या बन जाएगा, पानी को ठंडा होने में समय लगता है, गर्म होने में समय लगता है, इसलिए यहां पर क्या बन जाता होगा, समंदर में क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। रात के समय उल्टा हो जाता होगा, जमीन जो होती है जल्दी से ठंडी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बन जाता होगा अभी रात के समय, हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर। और मैंने आपको एक दो बातें बताई हैं, जो हवाएं होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की होती चलती हैं, जो हवाएं होती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती है ना। तो देखिए दिन के समय जो हवाएं हैं, किसकी, दिन के समय चलने वाली हवाओं की अगर बात करूं मैं आपसे, तो आप देख पा रहे हो दिन के समय चलने वाली हवाएं हैं, ये हवाएं क्या हो रही हैं, जल से जमीन की ओर चल रही हैं, लैंड सॉरी वाटर टू लैंड, कहां से, जल से जमीन की ओर चल रही हैं, इसीलिए इन हवाओं को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसलिए इन हवाओं को बोल दिया जाता है सी ब्रीज। इन हवाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, इन हवाओं को बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, सी ब्रीज। मतलब हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, सागर शनि।
और जब यही हवाएं दिन के समय चलेंगी तो इनको देखो अब क्या है लैंड से वाटर की ओर बोलेंगे, तो इसलिए इन हवाओं को हम लोग क्या बोल देंगे, अब इन हवाओं को बोल देंगे लैंड ब्रिज। क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज। यानी कि स्थल समीर हम इनको बोल देंगे, है ना? क्या बोलेंगे? स्थल समीर बोला मैंने इसको, और इसको क्या मैंने बोला भाई, सागर समीर मैंने बोल दिया, है ना? तो आपसे एग्जाम में कभी प्रश्न आ जाए कि बताइए, आपसे प्रश्न पूछ लें कि आप बताएं जो सागर समीर होती हैं वो कब चलती हैं, वो दिन के समय चलती हैं कि रात के समय? आप बता दोगे कि जो सागर समीर होती हैं वो कब चलती हैं, रात के समय चलती हैं, और जो स्थल समीर हैं वो कब चलती हैं, दिन के समय चलती हैं। देखो इन हवाओं का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है, सबसे ज़्यादा जो फायदा है, इन हवाओं का सबसे ज़्यादा फायदा मछुआरे उठाते हैं। लेकिन जो मछुआरे के जो गरीब मछुआरे होते हैं वो चला के दिखाते हैं, वो मछली पकड़ने के लिए रात के समय निकलेंगे, रात में अपनी नौकाओं पे कर देंगे, समुंदर में उतार देंगे, और समुंदर में कैसी हवा चलती है, लैंड ब्रिज, जो जमीन से जल की ओर चलती है, लैंड टू वाटर। ये हवा की तरेंगी, इसकी नाव को धकेलते हुए गहरे पानी में ले जाएंगी, है ना? और जब ये नाव गहरे पानी चली जाएगी तो ये मछुआरे साइड क्या पड़ेंगे, मछली पकड़ेंगे, अपनी नाव को मछलियों से भर लेंगे, और जब दिन होगा तो दिन के समय जाएगी ये वापस अपने घर को लौट आएंगे। अब वापस क्यों जाएगी, हवा क्यों जाएगी, उल्टी चलेगी। देखो दिन के समय तो हवा चलेगी जमीन से, सॉरी जल से जमीन की ओर, लैंड टू वाटर टू लैंड की ओर चलेगी, और ये क्या करते हैं, इन हवाओं का फायदा उठाते हैं और खूब मछलियां पकड़ते हैं। ऐसी दूसरी हम लोग दो बातें और कर लेते हैं यहाँ पर, जरा इस तरफ में कर लेता हूँ। देखो मान लीजिए एक ये पर्वत माला, एक ये माउंटेन है और एक ही माउंटेन, दो पहाड़ियां हैं आपके सामने, और यहां पर मान ले फिर से इस क्षेत्र में क्या है, मान लीजिए क्या समय है, यहां पर दिन का समय है, और यहां पर मान लेते हैं भाई कब का समय है, रात का समय है, ठीक है? तो दिन का समय होगा, अगर दिन के समय की हम लोग बात कर लें तो दिन के समय क्या होगा, जो पहाड़ियां हैं जल्दी हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, सूरज की क्या पड़ेंगी, रेस पड़ेंगी, तो जब ये पहाड़ियां गर्म होंगी तो इन पहाड़ियों पर क्या बन जाएगा भाई, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ जो घाटी होगी, जो वैली होगी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, है ना? रात के समय हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये पहाड़ियां जल्दी हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होने पर क्या बनेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर, और यहाँ पर भी हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। और मैंने आपसे बोल दिया हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, तो दिन के समय हवाएं घाटी की ओर चलेंगी ऐसे, है ना, हाई से, और रात के समय हवाएं घाटी से कहां चलेंगी, पहाड़ी की ओर चलेंगी। तो इन्हीं हवाओं को, जो हवाएं दिन की ओर चलती हैं, देखिए पहाड़ी से कहां की ओर चली हैं, घाटी की ओर चली हैं, तो दिन की ओर चलने वाली हवाओं को क्या बोल देंगे, घाटी समीर। क्या बोल देंगे, इन्हीं हवाओं को हम लोग क्या बोल देंगे, वैली ब्रिज। क्या बोलेंगे भाई, वैली ब्रिज। और रात के समय चलने वाली हवाओं को हम बोल देंगे माउंटेन ब्रिज। क्या बोलेंगे इनको, माउंटेन ब्रिज बोलेंगे। है ना? तो आपसे प्रश्न जाएगी, बताइए माउंटेन ब्रिज कब चलती है, तो आप कह दोगे रात में चलती है। प्रश्न कभी पूछ लें कि बताइए वैली ब्रिज कब चलती है, घाटी समीर कब चलती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दिन के समय चलत हो जाएगा। तो मैं समझ चल रहा हूँ इतनी बेसिक चीजों को आप समझ चुके होंगे, जल्दी से क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स और देखते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हवाएं होती हैं तो हवाएं दो ही टाइप की होती हैं, या तो ठंडी होती है, या कैसी होती है, हवा गर्म होती है, यानी कि दो ही टाइप की हवाएं पाई जाती है, ठंडी और गर्म। अब जब ये हवाएं चलती है ठंडी और गर्म, तो पूरे वर्ल्ड में चलती हैं, तो पूरे विश्व में इन हवाओं को वहां के लोकल लोग अपने अपने क्या लोकल भाषाओं में कई नामों से जानते हैं, और इनको भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम थोड़े से कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो इनको क्या एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि विश्व में चलने वाली कुछ प्रमुख हवाएं, मेजर विंड्स ऑफ, है ना, यानी कि मेजर लोकल विंड्स, है ना। तो जरा कौन कौन सी है जरा देख लेते हैं, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल। कुछ प्रमुख स्थानीय हवा,
और मैंने बोला हवाएं दो टाइप की होती हैं, ठंडी होती हैं और गर्म होती हैं। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं भाई, वार्म विंड्स की बात कर लेते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं पहले हम, गर्म हवाओं की बात करते हैं। तो गर्म हवा कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, चलिए देखते हैं गर्म हवाओं के कुछ प्रमुख उदाहरण एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने लू, है ना। तो लू कहां चलती है, देखिए लू कहां चलती है भाई, इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया में कहां पर, उत्तर भारत। इंडिया में भी कहां पर, नॉर्थ इंडिया। तो उत्तर भारत और पाकिस्तान में चलने वाली गर्म हवा क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा हम क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, लू बोल देते हैं। दूसरी हवा का एग्जांपल लेते हैं भाई चिनूक। देखिए चिनूक हवा है, ये चिनूक हवा की अगर हम लोग बात करें तो ये कहां चलती है, ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन। देखिए रॉकी पर्वत में चलती है, यानी कि या उत्तरी अमेरिका, कहां पर, तो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म हवा क्या होते हैं, चिनूक। देखिए आपने अमेरिकी सेना के पास अगर मूवीज कर देते तो दो पंखों वाला हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा, उसी हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, चिनूक। और वही हेलीकॉप्टर क्या है, अमेरिकी आर्मी के पास भी है, किसके पास है, अमेरिकी आर्मी के पास है, और ये आजकल इंडियन आर्मी के पास भी आ चुका है। तो इसलिए हवा का नाम क्या है, चिनूक। चिनूक क्या है, गर्म हवा है, इसी हवा के नाम पर उस हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है। अगली हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फोन। कौन सी फोन, ठीक है। देखिए फोन हवा कहां चलती है, नदर स्लोप ऑफ आल्प्स माउंटेन, ठीक है। कहां पर, एक पर्वत है आल्प्स पर्वत, या अगर इस आल्प्स पर्वत की मैं आपसे बात करना चाहूं, या ये पर्वत आपको कहां पे मिलेगा, स्विट्जरलैंड। यही हवा कहां चलती है भाई, स्विट्जरलैंड में चलने वाली हवा क्या बोलते हैं, फोम। ये भी कैसी हवा है, सभी में कितने गर्म हवाओं के एग्जाम्पल आपका शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट अगली हवा का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं शिराको। शिराको इस हवा का नाम क्या है, शिराको। और जो शिराको हवा है अगर इसकी बात करें तो ये कहां चलती है, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच चलती है, सहारा डेजर्ट टू मेडिटेरियन सी। देखिए सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच ये हवा चलती है। देखिए इस हवा को एक दूसरे नाम, इस हवा को ब्लड रेन भी कहा जाता है। कारण क्या है, ये हवा अपने साथ सहारा डेजर्ट के लाल रंग के रेत को, सैंड को उड़ा के ले जाती है और यूरोप के कई देशों में क्या करती है, बारिश कर देती है। जैसे इटली में वर्षा करती है, स्पेन में वर्षा करती है, इजिप्ट में वर्षा करती है, लीबिया में वर्षा करती है, ट्यूनिशिया में वर्षा करती है। कौन सी हवा, शिराको हवा। शिराको के बाद हम लोग अगली बात करते हैं, नेक्स्ट हवा है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए अगली हवा का नाम है भाई सिमू, और सिमू हवा चलती है अरेबियन डेजर्ट में, अरेबियन, यानी कि अरब मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को बोलते हैं सिमू बोलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर इसको रफ कर रहा हूं। चले देखिए कुछ एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं हर मट्टन, या इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर विंड। देखिए जो हर मट्टन है जिसको मैंने डॉक्टर विंड बोला, ये हवा चलती है कहां पर, सहारा रेगिस्तान में। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में ये हवा चलती है। अगली हवा को हम लोग बोलते हैं ब्रिक फील्डर। और ये हवा चलती है भाई
ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य है, इस राज्य का नाम है विक्टोरिया। इस विक्टोरिया राज्य में चलने वाली हवा क्या बोलते हैं? ब्रिक फिगर बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं नॉर्वेस्टर, ये चलती है उत्तरी न्यूजीलैंड में, उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म हवा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। कुछ और एक दो फेमस एग्जांपल और हैं, जरा उनको भी हम लोग देख लेते हैं। एक हवा का नाम है खामशीन, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, और ये हवा चलती है इजिप्ट, जिसको हम लोग हिंदी में मिस्र भी बोलते हैं। कहाँ पर चलती है? इजिप्ट में चलने वाली हवा क्या बोलते हैं? खामशीन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाह रहा हूँ, अबूब, ये हबूब चलती है उत्तरी सूडान, नॉर्थ सूडान में चलने वाली हवा को बोलते हैं हबूब कहा जाता है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, ब्लैक रोवर हवा, ठीक है, कौन सी हवा बोलेंगे? ब्लैक रोवर। उत्तरी अमेरिका के मैदानों में चलती है, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, है ना। तो ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं किसके? गर्म हवाओं के, जिनको एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं किसके, ठंडी हवाओं के एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ कोल्ड विंड्स एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल की हम लोग बात करें कोल्ड विंड्स में, तो सबसे पहले एग्जांपल हम लोग दें, एक हवा है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल ये हवा चलती है स्पेन और फ्रांस में। कहां पर? स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा को मिस्ट्रल कहा जाता है, ठीक है। अगली हवा की हम लोग बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं बाइज, बाइज, और ये हवा चलती है भाई फ्रांस। कहां पर चलती है? फ्रांस में चलती है, ठीक है। अगली हवा की हम लोग बात करें तो हवा है, इसको हम लोग बोलते हैं बोरा, ठीक है। तो ये देखिए जो बोरा नाम की हवा है, ये कहां चलती है? एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सागर आपको इटली के पास दिखाई देगा। एक और एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड। देखिए ये चलती है यूएसए, कनाडा और साइबेरिया। एक लास्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं जोरन, और जोरन नाम की हवा एक पर्वत है, जुरा पर्वत। ये जो पर्वत है मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के कौन से? जुरा पर्वत पे चलने वाली हवा बोलते हैं जोरन। देखिए ये जुरा शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, और आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जुरासिक शब्द सुना होगा, ठीक है। और जुरासिक का मतलब ही होता है डायनासोर। तो सबसे पहले डायनासोर का जो स्केल्टन था, जो अवशेष था, वो इसी स्विट्जरलैंड के जुरा माउंटेन पर मिला, और यहीं से वो शब्द बना, कौन सा? जुरासिक शब्द बना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया ठंडी हवाओं के। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये है हमारा एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रिलेटेड एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग ले लेते हैं जल्दी से। यहां पे केवल नाम ही पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक है आपका ओशेनिक करंट्स, महासागरीय जलधारा। देखो सबसे पहले जलधारा होती क्या है? देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया इक्वेटर, मैंने पढ़ाया,
और मैंने बताया इक्वेटर के आसपास कुछ इस तरह से हवाएं चलती हैं, है ना। और जब ये हवाएं चलती हैं इक्वेटर के आसपास, तो हवाएं पूरब से पश्चिम को चल रही हैं, तो ये हवाएं क्या होती है, इक्वेटर के आसपास जो पानी होगा कहाँ चलेंगी, महासागर में। उस वाटर क्या करती है, एक हार्ड रेशर क्या करती है, धकेलना शुरू कर देती है। और जो वाटर होगा उसका फ्लो क्या होता है, दिशा की हो जाता है। और इससे क्या होता है, जल की क्या धारा बन जाती है, यानी कि करंट बन जाती है, उसी को हम बोल देते हैं ओशनिक करंट या महासागर की जलधारा। कई बार समंदर में क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है और कई बार क्या होता है, ठंडा होता है। तो गर्म पानी क्या होता है, ठंडे पानी का क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो भी क्या होती है, जलधारा बन जाती है, ठीक है। तो जलधाराएं बनने के मुख्य कारण कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस आपका जो एग्जाम रहेगा, इस एग्जाम में केवल इन जलधाराओं के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेंगे ये कैसे बनी, क्यों बनी। तो केवल यहाँ पे हम लोग केवल इनका नाम जानेंगे और यही नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो दो बातें याद रखो, जलधाराएं भी दो टाइप की होती है, तो ठंडी होती है या कैसी होती है भाई, गर्म होती है। अगर यही करंट्स क्या हो जाएं, अगर इन करंट्स की अगर बात कर लें, इक्वेटर से क्रिएट हो तो कैसी होगी, गर्म होगी। और यही करंट्स अगर पोल से क्रिएट हो जाएं तो कैसी होती हैं, ठंडी हो जाती है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, महासागरों में जब वाटर का फ्लो एक खास डायरेक्शन को मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो उसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट्स बोलते हैं, जलधाराएं बोलते हैं। और हमारी पृथ्वी पर तीन प्रमुख महासागर, एक तो पैसिफिक ओशन है सबसे बड़ा ओशन, एक अटलांटिक ओशन और एक इंडियन ओशन है। तो इन ओशंस में क्या है, कुछ करंट्स क्रिएट होती हैं, तो कौन कौन सी करंट्स हैं, जरा उनको हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो हमारा हेडिंग क्या है, महासागर की जलधाराएं। यहाँ पे केवल एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंडियन ओशन में कौन सी जलधारा क्रिएट होती है, कौन एक ठंडी है, कौन एक कोल्ड करंट है, कौन एक वार्म करंट है। तो दो ही तरह की करंट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अटलांटिक महासागर में बनने वाली जलधारा, है ना। तो करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन, करंट्स ऑफ अटलांटिक। यहां से आपसे सीधा प्रश्न आपके एनटीपीसी में हो या आपका ऐसा से जेई हो, यहां से सीधा सीधा प्रश्न ही आपके एग्जाम में आपको दिखाई देगा। केवल करंट्स के नाम ही आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने बोला करंट के लिए भाई दो टाइप की होती हैं, एक होती है वार, एक होती है गर्म जलधारा, और दूसरी कैसी होती है भाई, कोल्ड। तो दो ही टाइप की जलधाराएं हैं। तो जरा जान लेते हैं दोनों जलधाराओं के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले किसकी ओर चलते हैं, वार्म करंट की ओर बात करते हैं, कौन कौन जलधाराएं अटलांटिक महासागर में बनती हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली जलधारा का नाम है एंटिलीज जलधारा। क्या नाम है इसका, एंटिलीज जलधारा। दूसरी की अगर हम लोग बात करें, एक और जलधारा है, इसको कहते हैं फ्लोरिडा जलधारा। कौन सी जलधारा भाई, फ्लोरिडा जलधारा, इसको हम लोग बोल देते हैं। एक और जलधारा है, इसको हम लोग बोलते हैं केनी जलधारा। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, बड़ी फेमस है गल्फ स्टीम जलधारा। एक और बड़ी फेमस है, इसको हम लोग बोलते हैं इर्मिंगर करंट। नेक्स्ट करंट की बात करें तो ये मिलेगी आपको रेनिल जलधारा। कौन सी हो गई भाई, रेनिल जलधारा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्वेजियन करंट। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्वेजियन करंट हम लोग बोलेंगे। एन वन नॉर्वेजियन करंट, ठीक है। एक और प्रमुख गर्म जलधारा की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्राजीलिया जलधारा। ब्राजीलियन करंट इसको हम लोग बोल देते हैं। आते हैं कोल्ड करंट्स में। देखिए कोल्ड करंट में सबसे पहले यहां पे मैं रख रहा हूं एक नाम, बड़ा फेमस है, लैब्राडोर। कौन सी जलधारा है भाई, लैब्राडोर जलधारा। लैब्राडोर जलधारा की हम लोग बात के नंबर सेकंड पे बात करें तो कैनारी जलधारा। कौन सी, कैनारी करंट आपको मिलेगी। और ऐसे ही अगले एग्जांपल की हम लोग बात करें, फॉकलैंड जलधारा। और एक और करंट एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेंगुला जलधारा। ठीक है,
तो ये ठंडी जलधाराएं हैं अटलांटिक ओशन में बनने वाली, केवल नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नाम ही आपसे पूछते हैं कौन ठंडी है कौन गर्म है। देखिए इस तरफ अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम के लिए इन चारों ही करंट्स को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चारों को एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है। इस तरफ अगर बात करें तो फ्लोरिडा को अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, गल्फ स्ट्रीम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर क्या आपकी ब्राजीलियन जलधारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को ज्यादा रिपीट किया गया है और उधर वो क्या है चारों जलधाराएं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ कर रहा हूं इसको। चलिए मैं रफ कर देता हूं इसको। ऐसे ही हम लोग बात कर लेते हैं, इसको रफ कर देना केवल, किसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि प्रशांत महासागर में बनने वाली जलधाराएं ठंडी और गर्म। तो प्रशांत महासागर में बनने वाली कुछ प्रमुख जलधाराओं की हम लोग बात करें तो सबसे पहली जलधारा आपको आपको मिलेगी, इसको हम बोलते हैं क्यूरोशियो। क्या नाम है? क्यूरोशियो जलधारा। ठीक है, क्यूरोशियो जलधारा एक मिलेगी बड़ी फेमस, सुशीमा जलधारा, इसको भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, क्यूरोशियो, सुशीमा और इसी के साथ साथ आपकी फेमस जलधारा है, आप नाम याद रखें भाई, अलास्का। कौन सी? देखिए अलास्का के नाम से लोग इसको ठंडा समझ लेते हैं, लेकिन क्या है, एक गर्म जलधारा है और इसी गर्म जलधारा को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, एक जलधारा आपको मिलेगी एलिनो नाम से, एलिनो आप कई बार एग्जाम में न्यूज पेपर से सुनते हो। तो एलिनो क्या है? गर्म जलधारा है। जरा ठंडी जलधाराओं की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन सी भाई कोल्ड करंट हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ठंडी जलधाराओं की अगर बात की जाए, और छोटा कर लेते हैं करंट्स और पैसिफिक ओशन, इधर किसकी बात कर लेते हैं, कोल्ड करंट्स की। तो अगर ठंडी जलधाराओं की बात करें कहां पर, प्रशांत महासागर में, तो प्रमुख ठंडी जलधाराओं के रूप में सबसे पहले हमको मिलेगी ओखोटस। कौन सी हो गई भाई? ओखोटस जलधारा। इसके बाद आपके हम लोग बात करें तो नंबर दो पर क्यूराइल, क्यूराइल या ओयासियो। क्या? क्यूराइल या ओयासियो करंट। इसके बाद तीन नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो आपको बड़ी फेमस करंट मिलेगी पेरू या हम्बोल्ट करंट। कौन सी? पेरू या हम्बोल्ट करंट यहां पर दिखाई देगी। तो ये कुछ क्या हो गई, और इसमें एक और ऐड करते हैं भाई, कैलिफोर्निया करंट भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी हो गई? ठंडी जलधाराएं हो गई। और ठंडी जलधाराओं के बाद अगली बात हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, इंडियन ओशन में बनने वाली जलधाराएं, हिंद महासागर में जन्मे बनने वाली जलधाराएं, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं किसकी भाई, इंडियन ओशन की, हिंद महासागर की, और दो ही हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, वार्म और कौन सी। देखिए इंडियन ओशन की केवल वार्म करंट ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली आपको मिलेगी मोजाम्बिक जलधारा। कौन सी है? मोजाम्बिक। नंबर दो आपको मिलेगी मेडागास्कर जलधारा, और तीन नंबर पे हमको दिखाई देगी अबुल हास करंट। ठीक है, ये तीनों कहां पे हैं? गर्म जलधाराएं हैं। और उधर अगर कोल्ड करंट्स में अगर हम लोग बात करें तो कोल्ड करंट में आपको मिलेगी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। देखें यहां पर
एग्जाम के लिए इस तरफ अगर आप आओगे तो तीनों ही सॉरी चारों ही क्या है, गर्म जलधाराएं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इधर की अगर बात करें तो इधर भी क्या है, तीनों को एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है। इस तरफ बात करें इंडियन ओशन में तो इंडियन ओशन की गर्म जलधाराओं को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये केवल आपको नाम जानना है यहाँ पर, और नाम से आपको ठंडा और गर्म याद रखना है। तो तीन ही ओशन की हम लोग बात की है, पैसिफिक ओशन में जलधाराएं बनती है, अटलांटिक ओशन में बनती है, और कहाँ पे बनती है, इंडियन ओशन। देखिए इंडियन ओशन वाले को क्योंकि हम लोग पड़ोसी है तो इस इंडियन ओशन वाली जो करंट जलधाराएं हैं इनको एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। और याद रखें इंडियन ओशन में बनने वाली जो करंट है जो वो सभी कैसी हैं, तीनों ही प्रमुख है, तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और तीनों ही कैसी है भाई, गर्म। ठीक है, कैसी जलधाराएं बनती है, तीनों ही गर्म बनती है, क्योंकि तीनों का निर्माण कहाँ से होता है, फॉर्मेशन कहाँ से होता है, इक्वेटर से होता है। कहाँ से होता है, इक्वेटर से होता है, इसलिए कैसी है ये, गर्म जलधारा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, आज हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को डिस्कस कर लिया, और किसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या है, ओशनिक करंट्स को। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी में इतने टॉपिक हम लोग डिस्कस करने थे, अभी सोलर सिस्टम को हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। तो जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो सोलर सिस्टम को भी कभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फिर से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करो, है ना, वीडियो को शेयर करो, और हम्बल रिक्वेस्ट किया भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, चलिए, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।